Good Morning, my dear students. Today you also are going to study your books, social science, our environment. The students, today you also have to study chapter 4th, as you all can see, here that means bio. So let's start to read about it. As you all can see here. Our earth is surrounded by a big blanket of air called atmosphere. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. It provides us the air we breathe and protects us from the harmful effects of the sun's rays. Without this blanket of protection, we would be. वी वुड बी बैक्ट ए लाइफ बाई द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट सो इट इज़ मास ऑफ एयर दैट हैज मेड देशर ऑफ द अर्थ लिवेबल तो स्टूडेंट्स आप सभी यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे अर्थ जो है सराउंडेड जो है वो एक ही ब्लेंकेट से है जो कि एटमोसफियर कहलाता है हमारे पृथ्वी जो है एक हीक बहुत ही विशाल ब्लैंकेट से सराउंडेड है ढका हुआ है जिसको जो हम लोग एटमोसफेयर बोलते हैं वो भी एयर के ब्लैंकेट से ओके ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंडेंट ऑन एटमोसफेयर आप सभी जानते हैं कि सभी जीवन मतलब कि जो भी लिविंग बींग्स है सजीव जीव है सबके जो है सबके सब जो है अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए लाइफ को सर्वाइव करने के लिए एटमोसफेयर एटमोसफियर पर डिपेंड है ये जो है हमें हवा प्रोवाइड करती है जिसको जो हम सभी ब्रीथिंग करते हैं और अपने आप को सुरक्षित रखते हैं फ्रॉम हार्मफुल सनस रेज एंड ई टी सी विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन अगर बिना इस प्रोटेक्शन की बात की जाए इस ब्लैंकेट से एटमोसफियर की देन वी वुड बी बैक्ड अलाइव बाई हीट ऑफ सन ड्यूरिंग डे तो हम सभी जो है दिन के दिन के दौरान जो है सूरज की गर्मी से हम सभी जल सकते हैं और वहीं रात की बात की जाए तो फ्रोजन भी हो सकते हैं जम भी सकते हैं ड्यूरिंग नाइट विदाउट द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट मीन्स एटमोसफियर सो इट इज़ मॉस ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ सो यही जो है आपका एटमोसफियर है जो कि मास ऑफ एयर को लेकर ये जो है टेम्परेचर को हमारे अर्थ में जो है लिवेबल बनाता है जीने जीवन को जीने लायक बनाता है ओके कंपोजिशन ऑफ द एटमोसफियर डू यू नो दैट एयर वी टेक इन वाइल्ड ब्रीथिंग इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेकअप द बॉक ऑफ द एटमोसफियर कार्बन डाइऑक्साइड ही ओजोन आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेस क्वान्टिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि क्या आप सभी जानते हो कि हम जो हवा को जो है ब्रीथिंग करते हैं सांस लेते हैं एक्चुअली वो जो है बहुत सारे गैसों का मिक्सिंग है ओके okay? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दैट आर टू गैसेस जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे एटमोसफेयर में पाई जाती है कार्बन ऑक्सी सॉरी डाइऑक्साइड हीलियम ओजोन आर्गन और हाइड्रोजन ये सभी अदर गैसेस हैं जो कि बहुत ही लेजर क्वांटिटी में पाई जाती है अपार्ट फ्रोम दीज टीनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रजेंट इन एयर

पाई चार्ट में यहाँ पे हम सभी को दिखाया गया कि किस तरह से जो है गैसेज हमारे एटमोसफेयर में पाई जाती है स्टूडेंट्स नाइट्रोजन की बात की जाए तो ये जो है सेवेंटी एट परसेंटेज हमारे एटमोसफेयर में पाई जाती है दैट मीन्स ये सबसे अधिक मात्रा में हमारे एटमोसफेयर में मौजूद है नाइट्रोजन सेवेंटी एट परसेंटेज और वहीं ऑक्सीजन की बात की जाए जिससे हम सभी जो है जीवित रहते हैं अलाइव रहते हैं वो जो है ट्वेंटी वन परसेंट है और अदर गैसेस की बात की जाए आर्गन तो जीरो पॉइंट नाइन थ्री एंड अदर गैसेस की बात की जाए तो ज़ीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंटेज अवेलेबल है हमारे एटमोसफेयर में सो डियर स्टूडेंट्स यू ऑल हेप्टिड मेम्बर हेयर की ऑक्सीजन जो है ट्वेंटी फर्स्ट परसेंट हमारे एटमोसफेयर में मौजूद है और नाइट्रोजन की बात की जाए तो सेवेंटी एट परसेंट जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे एटमोसफेयर में मौजूद है अवेलेबल है आर्गन की बात की जाए तो जीरो पॉइंट नाइन थ्री है और ऑल अदर गैसेस की बात की जाए तो ज़ीरो पॉइंट जीरो फोर है और एक तो और आपका गैस है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती है कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो थ्री परसेंटेज मौजूद है हमारे अर्थ पर दैट मीन्स आवर एटमोसफियर नेक्स्ट बात की जाए तो नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and uh, inhale it. But plants need nitrogen for their survival, they cannot take nitrogen directly from the air. Okay. सो डिस्टेंस यू कैन सी हेयर कि नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला गैस है जो कि एयर में मौजूद मिक्सिंग रहता है जब जो हम लोग इनहेल करते हैं सांस लेते हैं अंदर तो सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी हमारे लंग लंग्स के अंदर जाते हैं और एक्सहेल भी होती है बट जो प्लांट्स की नीड अगर बात की नीड की बात की जाए तो नाइट्रोजन से वो सभी जिंदा रहते हैं दे कैन नो टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्राम द एयर वे तो डायरेक्ट एयर से तो नाइट्रोजन को अपने अंदर इनहेल तो नहीं कर सकता है बट वो जो है बैक्टीरिया डेट लिव इन सोयल रूट्स ऑफ सोयल प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज चेंट्स फॉर्म सो प्लांट्स कैन टेक सॉरी कैन यूज़ इट तो जो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ऑयल और सॉरी सोयल और रूट्स में जो है कुछ प्लांट्स के मौजूद होते हैं और वो जो है नाइट्रोजन को बाहर से एयर से जो है अपने अंदर लेते हैं उसके बाद जो है वो चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट और इस तरह से जो है वो अपने अंदर नाइट्रोजन को लेकर पेड़ पौधे को प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट प्लान गैस इन द एयर इन द एयर ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ ग्रीन प्लांट्स पर ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसाइंथेसिस इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमाइंड कॉन्स्टेंट इफ वी कट ट्रीज़ देन दिस बैलेंस गेट्स सो डिस्टर्बड सोडेंट्स एज्यूल्स कैन सी हेयर की ऑक्सीजन जो है सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है हमारे एयर में और हमारे एटमोसफेयर में हमारे एटमोसफेयर में जो एयर है उसमें सेकेंड नंबर पर ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले गैस वो जो है ऑक्सीजन दैट इज सो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टू एवरी ह्यूमन बॉडी ओके इसी के चलते हम सभी जिंदा भी, भी रहते हैं अलाइव भी रहते हैं डियर स्टूडेंट्स ह्यूमन एंड एनिमल्स की बात की जाए तो ये सभी सभी जो ऑक्सीजन को लेकर ही जीवित रहते हैं ब्रेथ लेते हैं तो ऑक्सीजन को ही लेते हैं ग्रीन प्लांट्स जो है ऑक्सीजन को जो है प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग फोटोसाइन फोटोसाइनथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो है फोटोसाइनथेसिस के द्वारा जो है पेड़ पौधे जो है हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है इन दिस वे ऑक्सीजन कॉन्टेंट इन द एयर इवन कॉन्स्टेंट्स ओके तो डियर स्टूडेंट्स तो आप सभी जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है कितनी इंपॉर्टेंट है टू ऑल ऑफ यू एंड टू ऑल ऑफ अस सो दिस वे वी इफ वी कट इज देन दिस प्लांट्स गेट्स डिस्टर्ब तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स यदि जो है हम सभी पेड़ पौधे को कटिंग करते हैं काटते हैं उनकी संख्या में कम ही करते हैं दैट मीन्स हमारे जो भी एटमॉस्फेयर है वो से डिस्टर्ब हो सकती है हम सभी भी डिस्टर्ब हो सकते हैं जब वो डिस्टर्ब होगा तो हम सभी तो डिस्टर्ब होना ही है बहुत सारे बीमारियाँ या अदर चीज़ें जो है फैलना शुरू हो सकती है गैसेस जो है बैड होना शुरू हो जाएगी ओके सो so, हम सभी को जो है ये कोशिश करनी है ट्राई करनी है कि पेड़ पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा प्लान्ट करें न कि उसको कटिंग करें Carbon dioxide is another important gas. Green plants use carbon dioxide to make their food and release oxygen. Human or animal release carbon dioxide. The amount of carbon dioxide released by human or animal seems to be equal to the amount used by plants, which make a perfect blend. However, the blends

भोजन और ऑक्सीजन को मतलब कि भोजन को बनाते हैं अपने भोजन को प्राप्त करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एज यू नो द एक्टिविटीज ऑफ फोटो साइंटेटिस इन योर साइंस क्लासेस ह्यूमन और एनिमल्स की बात करें तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को हम सभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है रिलीज करते हैं छोड़ते हैं लेते तो ऑक्सीजन है बट हम सभी छोड़ते क्या है जी तो कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रीन प्लांट्स सो so, स्टूडेंट्स अगर हम सभी कार्बन कर्वन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की और पेड़ों द्वारा ऑक्सीजन छोड़ने की बात की जाए तो देट इज़ सेम सीम्स टू बी इक्वल दोनों के दोनों अमाउंट अगर उनकी अमाउंट की बात की जाए तो दोनों के दोनों इक्वल ही हैं जो कि एक परफेक्ट बैलेंस को जो है इस अर्थ में जो है बनाकर रखती है हाउई भर आप सभी देख सकते हो कि बैलेंस जो है ये दोनों बीच के बैलेंस जो है तो ये जो है थोड़ी उसमें अपसेट देखने को मिल रही है कम देखने को मिल रही है या आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कुछ ज़्यादा ही मात्रा में मतलब कि फैल रही है यह गैस सचैस एजोल्स कैंसी हेयर कोल और ऑयल के रूप में जो कि दे एट बिलियन्स ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टू एटमोसफियर इच ईयर और इस तरह से इसका रिजल्ट ये आता है कि ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंक्रीज कर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द ऑर्थ वेदर एंड क्लाइमेट और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वेदर और क्लाइमेट दोनों को जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है अफेक्टिंग करती है दैट इज़ वेरी हार्मफुल टू अस सो वी ऑल्स हैव टू ट्राई दैट कि हम सभी को जो है ज़्यादा मात्रा में कोल या ऑयल या जो भी फ्यूल होता है उन सभी को जो है हम सभी को बर्निंग नहीं करनी चाहिए And dear students, as you can see here many types of टाइप्स ऑफ सीरियस today's इन by वर्ल्ड ऑफ दिस न्यूज newspapers आप सभी देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इन सभी के चलते जो है सीओ ट्यू के चलते जो है कार्बन डाइऑक्साइड के चलते जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है बढ़ती ही जा रही है दट इज वेरी हार्मुल टू एवरी वन ओके स्टूडेंट्स आई वॉन्ट टू सेट यू ऑल ऑफ़ यू दैट हम सभी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे को प्लांटेड करना चाहिए और कम से कम जो है ऑयल और फ्यूल को जो है बर्निंग करनी चाहिए जिससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने से रोका जा सके नाउ डियर स्टूडेंट्स यू ऑल्स हैव टू स्टडी हेयर स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफियर ओके So these students we all sorry you also have to study it in next class. Part second Part second media students you also have to eat. okay Thanks.